अस्सलाम वालेकुम। तो ये मटन प्रिपरेशन है। तो देखिए, हरा मसाला मैंने ना बहुत सारा पीस लिया और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ इस्तेमाल होता है, तो जब आपको चाहिए उतना ही इस्तेमाल कीजिए। मतलब हरा मसाला पीसा ज़्यादा जाता है, ये सभी को मालूम है। ये बोनलेस मटन है और सिर्फ बोनलेस मटन है। तो इसमें नमक डालूंगी, सारे मसाले डालूंगी, हरा मसाला जितना ज़रूरत है, लिया था बहुत सारा, डाली हुई एक ही चम्मच। उसके बाद में धनिया पाउडर डालूंगी 4 से 5 चम्मच हमेशा के मेरे, रेड लाल चम्मच एक, और हल्दी एक आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और सारी इस तरीके से जीरा और काली मिरी भी थोड़ा सी डाल दूंगी ये टेस्ट आने के लिए। अच्छा, ये मटन को ना प्रिपरेशन करके इस तरीके से बोनलेस रख देना, उसके बाद जब बनाना है ना तो इसको उबलते पानी में इसको डाल के पका देना और इसका पूरा पानी सुखा देना। उसके बाद में इस मटन को आप फ्राई करके तवे पे खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी और लज्जेदार लगता है। तो ये इस तरीके से बोनलेस मटन आप प्रिपरेशन करके फ्रीज़र में रख सकते हैं, जिससे सारा मसाले का टेस्ट इसी में आ जाएगा और बहुत टेस्टी और लज्जेदार लगेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। थैंक यू, बाय बाय।